नमस्कार, आज हम एक ट्रे गार्डन बनाएंगे। इस ट्रे गार्डन में हम एक वाटरफॉल भी बनाएंगे। मैं कल्पना भार्गव, वेलकम टू कला क्रिएशंस। अब हम इस ट्रे गार्डन को में यूज़ जो करने वाले हैं, ये अशोक की पुरानी कटी हुई लकड़ी है जिसको मैंने इस तरह से आज हम ट्रे में यूज़ करेंगे। और ये एक टेराकोटा का मैंने पॉट लिया है जिसमें हम एक प्लांट्स लगा के जो ट्रे बनाने वाले हैं। और हम वाटरफॉल जो बनाएंगे उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। और इस तरह की मैंने कुछ रॉक्स ले लिए हैं। ये रॉक्स नर्सरी पे मिल जाती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं। और अगर आपके पास ये रॉक्स नहीं हैं तो आप ये जो बजरी में मिलने वाले पत्थर होते हैं इनको भी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो आप इसको ज़्यादा सा ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस लकड़ी के अंदर मैंने एक छोटी सी गुफा बनाई है। ये गुफा मैंने हथौड़ी से इसको ठोक के, कोई शार्प चीज़ आप ले लीजिए जैसे जो पेचकस होता है उससे ठोक के मैंने तैयार कर ली थी। और अब जो इसमें छेद होता है ट्रे में, इस ट्रे के अंदर मैंने पुराने गमले की जो ठीकरी होती है उससे मैंने इस छेद को कवर कर रही हूँ। और अब जो इसमें मिट्टी डालेंगे वो मिट्टी मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, बस इसमें फंगीसाइड जरूर डाला है क्योंकि हम आज जो प्लांट्स लगाने वाले हैं वो सकलेंट्स लगाने वाले हैं। और हम इसको अच्छे से दबा के भरेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर पॉकेट ना रह जाए। अब इसमें अगर आपके पास, आप फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स में आप मिट्टी ले लीजिए, आपको खाद जार डालने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस फंगीसाइड जरूर डाल लीजिएगा। और हम जो प्लांट्स लगाने वाले हैं इसमें ये एचेवेरियाज लिए हैं, ये सकलेंट बहुत अच्छे से चलते हैं, इनको ज़्यादा मतलब आप गर्मी में आप इसे शेडी वाले एरिया में रख सकते हैं तो आप बहुत अच्छे चलते हैं। और अब हम इसे अगर समय समय पे कटिंग नहीं करते तो ये बहुत हाइट ले लेते हैं, इसलिए हम इसको काट के यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ये देखेंगे जितना आप इसे काटते जाएंगे और आप इसमें ये सारे और प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, इसलिए हमें लंबी स्टेम ही काटनी है ताकि हम ट्रे में लगाएं तो हमें लगाना में इजी रहे। अब हम इसमें ये अवर्थिया भी लेंगे, ये अवर्थिया भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हमें ध्यान यही रखना है क्योंकि हमने फोकल पॉइंट इसका ये लकड़ी को दिया है, हमारा पूरी ट्रे की जो ब्यूटी है वो इस लकड़ी है, इसलिए हम जो भी प्लांट्स लगाएंगे वो इस लकड़ी के नीचे जो हाइट होगी उसी हाइट के प्लांट्स लगाएंगे। अब हम पीछे एक बड़ा जो हमारे पास एचिवेरिया होगा हम वो बड़ा लगाएंगे। अगर आपके पास ये सकलेंट्स नहीं हैं तो आप कोई और भी प्लांट्स ले सकते हैं, जैसे आप वो यूका प्लांट एक आता है वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। अब हमें ध्यान यही रखना है कि जब हम ये दोनों तरफ प्लांट्स लगाएंगे वो प्लांट्स हम ये जो पेड़ में हमने जो गुफा बनाई है उस गुफा का रास्ता छोड़ते हुए हम दोनों तरफ प्लांट्स लगाएंगे। और अब हम ये जो एचेवेरिया लगाएं इसमें हमने वाइट वाले जो पत्थर आते हैं, आपके पास जो नॉर्मल पत्थर है आप उस तरह आप इसे एक रास्ते की तरह बॉर्डर बना दीजिए तो अच्छा लगेगा। अब हम जो रास्ता बनाएंगे इसके लिए हमने कलर्ड सैंड ली है, ये बजरी जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं उसका हम इस तरह रास्ता बना देंगे। आप नॉर्मल वाइट सैंड भी ले सकते हैं, आप वाइट चिप्स जो आती है, जो हम अपना मार्बल चिप्स जो आते हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक ये वाटर पंप लेंगे, ये वाटर पंप आप जो फिश एक्वेरियम जिस शॉप पे मिलते हैं वहाँ पे छोटे वाले इस तरह के पंप मिलते हैं, वहाँ से आप ये पंप ले सकते हैं। अब हमें रॉक्स जो लगा रहे हैं वो इस तरह के से लगानी है कि जो हमने इसके अंदर पाइप लगाया है वो पाइप पूरा इसके अंदर ही रहे, ताकि जब भी इसमें जब हम पानी चलाएंगे वो पानी इसके अंदर ही गिरे, इसीलिए हम इस तरह हाइट से प्लांट अपनी रॉक्स लगा लेंगे। और ये पाइप को हम थोड़ा छुपाएंगे क्योंकि हम इसमें पानी हमारा अगर बाहर गिरेगा तो फिर ये रिसाइकिल पानी नहीं होगा, इसीलिए हमें इसी कंटेनर में गिरता हुआ ही पानी बनाना है।
जब भी अपन अपने गार्डन में कोई क्रिएटिव चीज़ बनाते हैं तो आपको बस ये सोचना चाहिए कि जो अभी हमारे पास रखा हुआ है, जो भी पत्थर पड़े हैं, जो प्लांट्स हैं, जैसी भी लकड़ी है, हम उसको ही यूज़ करके एक सुंदर सा अपन अपने गार्डन के लिए, या आप टेरेस पे, आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप अपने टेरेस के लिए कोई भी इस तरह का एक क्रिएटिव पीस बना सकते हैं। अभी जो मैंने रास्ता में जो लकड़ी की जो सीढ़ियाँ बनाई हैं, ये जो हम कारपेंटर का जब काम अपने घर में चलता है तो छोटी छोटी इस तरह की टुकड़े बचते हैं, उसको मैंने फेविकॉल से चिपका के इस तरह का आप रास्ता बना सकते हैं। आप इसमें कोई मोटे पत्थर लगा सकते हैं अपने गार्डन में, ईंट को चूरा करके हम इसका भी रास्ता रेड कलर से बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कला क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।